nitrogen chakra. Amino aml, protein, enzyme इत्यादि के संश्लेषण से मिलने वाला नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर नाइट्रोजन न हो तो क्या होगा? जड़ों और पौधों का विकास रुक जाएगा। पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। फसल की पैदावार कम हो जाएगी। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में आ जाएगा। वायुमंडल में इसकी सघनता 78% है। नाइट्रोजन का वायुमंडल के प्राकृतिक या अजैविक अवयव से मिट्टी जैसे जैविक अवयव में जाना और वापस वायुमंडल में जाने की चक्रीय प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं। पहला, नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन। दूसरा, नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। तीसरा, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। चौथा, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। पांचवा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। पेड़ पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये इस्तेमाल करने लायक रूप जैसे कि अमोनिया में परिवर्तित होता है। पहला, नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन स्थितिकरण का पहला चरण है। जीवों के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिक्सेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया फलीदार पौधों द्वारा की जाती है, जैसे मूंगफली। कुछ बैक्टीरिया भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थितिकरण कर सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया के उदाहरण हैं अजैटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक और एनाबीना। दूसरा, नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। नाइट्रेट और अमोनिया को जैविक नाइट्रोजन में सोखने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। जब जानवर पेड़ पौधे खाते हैं तब ये जैविक नाइट्रोजन उनके शरीर में चली जाती है। तीसरा, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। जानवरों के मरने के बाद जैविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। ये प्रक्रिया कुछ सैप्रोफाइट जैसे कि कवक और बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट और जानवरों के उत्सर्जन पदार्थों से भी अमोनिया बनता है। चौथा, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया शामिल होता है उसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अमोनिया पहले नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। उदाहरण, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में परिवर्तित होता है। उदाहरण, नाइट्रोबैक्टर। पांचवा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। वायुमंडल में नाइट्रोजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा नाइट्रेट आण्विक नाइट्रोजन में परिवर्तित होते हैं, जिसे विनाइट्रीकरण या फिर डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जो बैक्टीरिया विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन में शामिल होते हैं उन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। उदाहरण, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनस विनाइट्रीकरण और माइक्रोकोकस विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से होने वाली समस्याएं, अम्ल वर्षा या एसिड रेन का होना, मिट्टी और तालाबों का अम्लीकरण, ज्यादा पेड़ पौधे मरना।